الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكه المراه لاربعين لمالها ولجمالها ولدينها वले हसबी फर बज़ात दीन तरीबती नाजरेन खैर मक़दम है आपका इस्लाम में नौजवानों के जिनसी मसाइल के इस प्रोग्राम में आज के इस एपिसोड में हमने आपको रसुलकरम सल्ला वसम की एक सही तरीन हदीस सुनाई है इस हदीस का आज के हमारे प्रोग्राम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है जिनसी तस्किन इस्वाजी ज़िंदगी की कामयाबी मियाँ बीवी के बेहतर तालुक़ प्यार मोहब्बत एक दूसरे का ख्याल और इसदवाजी ज़िंदगी का ज़िंदगी के आखिर तक बना रहना ये वो मकसद हैं जिसके लिए रिश्ते इसवाज को वजूद बख्शा जाता है ज़िंदगी में जब एक लड़का और एक लड़की रिश्ते इजवाज़ से मुंसलिक होते हैं लड़की की शादी लड़के से की जाती है तो समाज ये चाहता है कि ये दोनों जिंदगी के आखिर पल तक एक दूसरे के लिए वफ़ादार रहें खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारें इनकी ज़िंदगी हर एतबार से सुकून और राहत का सबब हो ये हैं वो जज्बात जिन जज्बात के तहत लड़के और लड़की के वालियां, रिश्तेदार नातेदार ख़ानदान वाले यार दोस्त अहबाब सब जमा होकर अपनी नेक दुआओं तमन्नाओं से उनको नवाजते हुए आशा करते हैं इस्लाम हर ख्वाहिश के साथ और हर नेक ख्वाहिश के लिए अच्छे जज्बात और तमन्ना रखने वाला दिन है अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं दुनिया में शादी अक्सर चार चीज़ों के लिए होती है एक हसन व जमाल के लिए दूसरे माल व मनाल के लिए तीसरे हसब व नसब के लिए चौथे दीन व मजहब के लिए लोगों की पसंदें अलग अलग हैं कोई लड़का इस बात को ज़्यादा अहमियत देता है कि लड़की ख़ानदानी होनी चाहिए हसब व नसब में ऊंचा मेयार रखने वाली बाकी और चीज़ें सानवी हैं दूसरे दर्जे की और बाज लड़के इस बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि लड़की व जमाल में चंदे आफ्ताब चंदे महताब होनी चाहिए बाकी और दूसरी चीज़ें सानवी हैं हैं तो अच्छा है ना हो तो कोई बात नहीं लेकिन हसन व जमाल होना चाहिए बाद लड़के इन बातों की तरफ ज़्यादा तोज्जा नहीं देते उनके यहाँ दौलत असल होती है माल कितना लाएगी जहेज़ में क्या मिलेगा क्या मुझे इससे उम्मीदें लगानी चाहिए देखा माल वाल काफ़ी अच्छा लेकर आएगी बस ठीक है कैसी है कैसी नहीं है इससे ज़्यादा तोज्जा नहीं देते एक मैार और है और वो मैार है कि लड़की दीनदार होनी चाहिए नमाज रोजे की पाबंद हो अल्लाह रसूल को जानती हो क्योंकि एक लड़की जो दीनदार हो उससे यही तमन्ना और आर्जू की जा सकती है अपने आप को पहचाने अपने शौहर के हकूक को पहचाने उसको राजी करने की कोशिश करें, उसके माँ बाप का एहतराम करें, घर को बेहतर अंदाज में चलाए अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद दे तो औलाद की अच्छी दीनी تربیت करें। यह है वो जज्बात जिनके लिए दुनिया में शादियाँ होती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस सिलसिले में पूछा गया कि ये चार معیار जो आपने बताए हैं दुनिया में अक्सर इसी के लिए शादी होती है आप इन चारों में से किसको पसंद करते हैं एक लड़का शादी करने के लिए जब खड़ा हो तो कौन सा मेयार उसके सामने रहे फरमा फसफर वज़ात दीन तरब देखो अगर तुम कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो दीनदार लड़की से रिश्ता करो ये ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखेगी तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर अंदाज से गुजर जाएगी अब देखिए ये एक हदीस थी रसूल अक्रम की और सही हदीस है इसी की तशरी की जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन हम तशरी नहीं करते और बात यहीं छोड़ देते हैं एक और हदीस को लेते हैं एक साहब रसूल अक्रम के पास आए नौजवान आदमी हैं देखा उनके कपड़ों पर कुछ रंग सा लगा हुआ है पूछा क्या बात है ख़ैरियत तो है कहा अल्लाह के रसूल मैंने शादी करने का इरादा किया है अंसार के एक ख़ानदान में रिश्ता तय हो गया है आपने फरमाया हल राय था हा? जहाँ रिश्ता तुम्हारा तय हुआ है उस लड़की को तुमने देखा है कहला कि रसूल देखा तो नहीं है फरमाया फै उसको देख लो बाज रवायत में है, आपने फरमाया उसको देख लो देख लेना तुम्हारी इस इज्तवाजी ज़िंदगी तुम्हारी जिनसी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा पायदार साबित होगा देख लेना बेहतर है बाद रवायतों ने ज़िक्र किया कि फाइनफ़ आई रिशन देख लेने की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंसार की आँखों में कुछ है उनकी आँखों में आम लोगों के एतबार से कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसको सारे लोग पसंद नहीं करते अब क्या है महत सीन कराम ने उसकी मुख्तलि तशरी की है लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं लेकिन मकसद इससे क्या है रसूल अक्रम ने दो बातें फरमाई एक तो ये कि शादी से पहले लड़की को देख लेना दुरुस्त है दूसरी बात दूसरी बात शादी शुदा ज़िंदगी को कामयाबी तक पहुँचाना जिनसी जिंदगी की तकमील हसन खूबसूरती और उसके दवाम के लिए देख लेने की बड़ी अहमियत है इसका मतलब यह है कि रसूल अकरम सल्ह हमारी जिनसी जिंदगी को कामयाबी के साथ आखिर तक ले जाने के वो सारे वसाइल और वो सारी चीज़ें मलहूत खाते रखते हैं जिसकी वजह से ये ज़िंदगी सबात क़दमी इख्तियार करती है नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ों को ख़ुद ध्यान में रखा और अपने सब क़राम से उसकी तरफ तो देने की कोशिश की है अगर इसको एक लफ्ज़ में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि रसूल अक्रम ने गोया के हुक्म ये दिया है कि जोड़ की शादी करो जोड़ की शादी का मतलब क्या हुआ जोड़ की शादी का मतलब ये है कि लड़का लड़की को देख ले पसंद कर ले लड़की लड़के को देख ले और पसंद कर ले ये जिंदगी इस दवाजी मियाँ बीवी की जिंदगी ज़्यादा इस लायक है कि यह जिंदगी कामयाबी से अमकिनार हो और आखिर तक चली जाए और कोई भी काम आप करें अगर उसमें आप ये उम्मीद करते हैं कि ये आखिर तक दुरुस्त रहेगा तभी वो कामयाब कहला सकता है उसके बगैर कामयाबी किसी और चीज़ का नाम नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ की शादी करने का हुक्म दिया और इसको आपने ज़्यादा अहमियत दी है क्योंकि बेजोड़ की शादियाँ अक्सर नाकाम हो जाती हैं एक आदमी पढ़ा लिखा है जैसे हमारे यहाँ हो रहा है आजकल पढ़ा लिखा नौजवान है उसने स्कूल में पढ़ा कॉलेज में पढ़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा पढ़ लिख के अच्छी डिग्री लेकर आया और वो सोच रहा है अपनी इज्जा ज़िंदगी को मैं आगे बढ़ाऊँ जाहिर है उसे ज़रूरत भी है शरीक हयात की घर वाले उसका रिश्ता एक लड़की से तय कर देते हैं और रिश्तेदारों में से है उसके लेकिन लड़की है कैसी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है कभी ऐसी लड़की से रिश्ता तय कर देते हैं ये गोरा चिट्टा है वो बेचारी काली कलूटी का है कभी ऐसी लड़की से शादी कर देते हैं कि जिसको साथ लेकर सफर करना भी वो गवारा नहीं करता क्या सोचते हैं आप ये जिंदगी ये रिश्ते क्या दूर तक जा सकते हैं नहीं जा सकते इसके बरखिलाफ लड़की निहायत पढ़ी लिखी समझदार और जाहिल जपट लड़के से शादी कर दी गई क्या रिश्ता कामयाब होगा नहीं होगा बहुत सारे झंझट जिंदगी में और ये बेचारी लड़की जिंदगी भर कुड़ कुड़ के अगर निवाह करेगी तो मर मर के जिएगी रोजाना ऐसे रिश्ते नहीं करने चाहिए हमेशा जोड़ कर रिश्ता करना चाहिए पढ़ी लिखी लड़की है तो पढ़ा लिखा लड़का या कम से कम इतना तो हो कि उसको काबिल कबूल हो गवारा हो अगर एक चीज नहीं है तो दूसरी चीज तो हो अगर उसके पास मालो जमाल नहीं है तो कम से कम दीनदारी हो तालीम हो उसके पास ऐसी चीज़ तो हो कि उसको समाज में इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता हो अब इनमें से किसी भी चीज़ को आप मैार ना बनाए बस हमने पसंद कर दिया जी हमने कह दिया जी तुम हमारी बात नहीं रखोगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे जो वालदे इस तरह की जो चीज़ें करते हैं ये मुनासिब नहीं करते रिश्ता दवाम हासिल करे मजबूत रहे कामयाब हो जाए इसके लिए और क्या करना चाहिए इस बात को हम ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह रहमतुल्लाहि व लाबरक खैर मकदूम है नाजरीन आपका इस्लामी नौजवानों के जिनसी मिसाइल के इस प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे इस्लाम ने इस बात को बड़ी अहमियत दी है कि इसवाजी ज़िंदगी कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले तक चली जाए ऐसे इंतजाम करना बहुत अहम और ज़रूरी है इसके लिए अपने शरीक हयात के इतख में चंद बातों का लिहाज रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये जिंदगी आपकी दवाई मसरत और शादमानी का सबब बन जाए अगर आपने लड़की को देख लिया देख कर उसको पसंद कर लिया तो आपके लिए ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि आपकी ज़िंदगी आखिर तक कामयाबी से चली जाएगी वालदे ने देख लिया है मेरा देखना कौन सा ज़रूरी है मैंने देख लिया ठीक है ठीक है मैंने देख लिया कल कला को कोई और बात हुई ऐसी लड़की मेरे पल्ले बांध दी है ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है सो तरह की बातें करके उस शादी को मुन करने तलाक़ देने ख़त्म करने की बातें लड़का करने लगता है ताकि ये बात ना रहे कि भाई मैंने तो देखा नहीं था फलाने ऐसा कर दिया रसूल करम सल्हसम ने इसलिए हिदायत दी कि भई आप देख लो बाकी और चीज़ें भी हैं वो भी आप अच्छी तरह से मुलादे कर लो किस बुनियाद पर आप निकाह कर रहे हो शादी कर रहे हो वो भी आप देख लो आपकी बुनियाद पाई जाती है दूसरी चीज़ है या नहीं है उसका आपको शिकवा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पेश नज़र तो एक बुनियादी और वो मौजूद है ये अच्छा नहीं है वो अच्छा है ये अच्छा नहीं है वो अच्छा है अपने शोहर में बहुत सारी बुराइयाँ ढूंढती रहती हैं। ये ये, हैं ये ये करते हैं ये ये करते हैं ये ऐसे करते हैं ये वैसा करते हैं बुराइयाँ किसमें नहीं होती कौन है जो बुराइयों से पाक है बेआब जात तो अल्लाह की है उसके अलावा तो कोई जात बेआब है ही नहीं बेहतर यह है कि हम किसी की बुराइयों पर नज़र ना रखते हुए उसकी अच्छाइयों को देखें ज़िंदगी का सबसे बेहतर असूल यही है बुराइयों को उसकी नज़रअंदाज़ करें उससे ज़्यादा बहस ना करें उसकी खूबियों को देखें इसके अंदर अच्छाई क्या क्या है तो जब हम देखेंगे इसके अंदर ये अच्छाई है इसके अंदर ये अच्छाई है इसके अंदर ये अच्छा है इसके अंदर ये अच्छा ये कई सारी अच्छाई हमको हम नज़र आ जाएंगी लेकिन अगर हम बुराई ही टटोलने लगे किसी आदमी के अंदर तो बुराई भी नज़र आ जाएगी सारी खूबियाँ छुप जाएंगी अरबी शायर ने कहा है ना कि आयन रज़ा अनकुल आई बिन कलीलतन बात ऐसी है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं किसी से मोहब्बत रखते हैं अगर किसी से आप राजी हैं तो कोई ऐब उसका आपकी नज़र में ऐब नहीं है कोई ऐब आपको नजर भी नहीं आता लेकिन अगर आप किसी को नापसंद करते हैं तो जो ऐब नहीं है वो भी आपको ऐब नजर आता है बुराई और अच्छाई क्या मेयार हमें दुरुस्त करना पड़ेगा हम अगर बुराइयों पर नज़र रखेंगे तो आदमी के अंदर बुराई ही बुराई नज़र आएगी और अच्छाइयों पर नज़र रखेंगे तो अच्छाई अच्छाई नज़र आएगी हमें चाहिए हम अच्छाइयों पर नज़र रखें बुराइयों को नज़रअंदाज कर दें कोई ऐप से पाक नहीं कोई ऐसा नहीं है कहा गालि ना गालिब ने बुरा बुराना मान जो वाइस बुरा कहे गालिब बुराना मान जो वाइस बुरा कहे ऐसा भी है जहां मैं सब अच्छा कहें जैसे दुनिया में ऐसा कोई नहीं है सब अच्छा ही कहें उसे ऐसा कोई भी नहीं है लिहाजा अगर तुम्हें कोई बुरा कह रहा है तो उसकी परवाह मत करो रिफाक और रजी की इस वाक़े से हमें एक और सबक मिलता है और वो सबक ये है ख़ास तौर से औरतों के लिए अपने शौहर को गनीमत जान कर उसकी बाज कोताहिया हों तो उनको नज़रअंदाज करके घर को बनाने की कोशिश करें इसलिए ज़रूरी है अपनी जिनसी समाजी इस दिवाजी ज़िंदगी को अगर आप दुरुस्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए आप लड़की को देख लें और अगर उसमें कोई ख़राबी मामूली कोई कमी आपको नज़र आती है शादी होने के बाद पहले आती है तो आप ना करें कोई ज़बर ज़बरदस्ती तो है नहीं लेकिन अगर बाद में आती है तो उसको नज़रअंदाज़ करने की कोशिश करें और अपने प्यार और मोहब्बत से उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें अगर ऐसा आपने किया तो आपकी ज़िंदगी खैर खूबी के साथ आगे बढ़ती रहेगी और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये ज़िंदगी यहीं पर दम तोड़ देगी और ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी का बड़ा साना होगा ज़िंदगी भर आप खून के आंसू रोएंगे इस पर और हमेशा पछताएंगे काश मैं ऐसा ना करता हम इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं अगले एपिसोड में इस्लाम इस ने जोड़ की शादी करने पर हमें उकसाया है इस सिलसिले में कुछ और बातें आपके सामने रखेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफि व वरहत व बरकातहू